हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी के पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई जितने भी BA/BSc सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं भाई, उनके लिए ऑफलाइन बैच लेके आए हैं, ठीक है। तो BA/BSc सिक्स सेमेस्टर के जितने भी GJU यूनिवर्सिटी हिसार से एफिलेटेड डिग्री कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं भाई, उनके लिए जो सिक्स सेम का मैथ है, ठीक है, सिक्स सेमेस्टर का जो मैथ है उसका आप लोगों के लिए आज ऑफलाइन कोर्स लेके आई है। अब इस वीडियो के अंदर जनरली मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि सबसे पहले बुक्स कौन सी है, उसके बाद जो बैच की टाइमिंग है वो क्या रहेगी, और उसके बाद जो फीस स्ट्रक्चर है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। सेंटर अपना ऋषि नगर बस स्टैंड के पास गली नंबर 1 में है, ठीक है। एड्रेस आपको कंप्लीट नीचे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी डिटेल चाहिए तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। और जो न्यू बैच है ना वो अपन ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इसके ऊपर भाई आप लोग कॉल कर सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। बुक्स की बात की जाए तो अब की बार आप लोगों के पास 4 बुक है भाई। कितनी बुक है? 4। सबसे पहले है लीनियर अलजेब्रा, सेकंड है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, थर्ड है मैकेनिक्स सेकंड, और उसके बाद आप लोगों के पास सॉलिड ज्योमेट्री है। टोटल आप लोगों के पास 4 मैथ है, ठीक है। आप लोगों को कितने मैथ पढ़ने हैं? 4 मैथ पढ़ने हैं। अब जो आप लोगों की बैच की टाइमिंग है वो मैं बता देता हूँ भाई। बैच की 3 टाइमिंग रखी है। सबसे पहले टाइमिंग आपको मैं बता देता हूँ, मॉर्निंग में 8 AM टू 9 AM, ठीक है, ये फर्स्ट टाइमिंग है। सेकंड टाइमिंग आप लोगों की रहेगी 9 AM टू 10 PM, सॉरी 9 AM टू 10 AM, ये सेकंड टाइमिंग है। और उसके बाद ये आप लोगों की मॉर्निंग की टाइमिंग होगी, ठीक है, किसकी टाइमिंग होगी? मॉर्निंग की। और जो ये टाइमिंग है, ये जनरली जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं आप, वो ट्यूजडे से स्टार्ट कर रहे हैं। कब से स्टार्ट कर रहे हैं? ट्यूजडे से, यानी कि परसों से आप लोगों को ये जो सारे बैचेस हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और ट्यूसडे से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो मेरे पास कॉल कर लेना या कोचिंग सेंटर विजिट कर सकते हो, राइट। 8 से 9 की टाइमिंग है सुबह की, 9 से 10 की टाइमिंग है सुबह की। और कई भाई जो ये 9 से 10 की टाइमिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे वो इवनिंग में भाई 4 से 5, ठीक है, इवनिंग में 4 से 5, ये आपकी इवनिंग की टाइमिंग रहने वाली है, 4 PM टू 5 PM, ठीक है। जो ये टाइमिंग अटेंड नहीं कर पाएगा, 9 से 10 कईयों के कॉलेज होते हैं, तो भाई इवनिंग की क्लास अटेंड कर सकता है, ठीक है। ये आप लोगों की बैच की टाइमिंग रहने वाली है। उसके अलावा सुन लो भाई, ये टाइमिंग आपको इवनिंग में, ये टाइमिंग, दोनों टाइमिंग आपकी मॉर्निंग में। इसमें एक बुक चलेगी, और इन दोनों बैचेज में भाई आप लोगों की सेम बुक चलेगी। ये जो दोनों बैचेज है ना, इसमें सेम बुक चलेगी, आप कोई भी अटेंड कर सकते हो, या ये वाला बैच अटेंड कर लेना या ये वाला बैच अटेंड कर लेना, दो बैच अटेंड करने जरूरी है, समझ में आ गई। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर के अंदर भाई आप लोगों को अगर 4 मैथ पढ़ने हैं, ठीक है, टोटल मैथ कितने हैं? 4000। टोटल मैथ कितने हैं? 4 हैं। और जो टोटल फीस है वो आप लोगों की रहने वाली है 7000, ठीक है। ये 4 मैथ पढ़ते हो तो इतनी फीस रहेगी। अब कोई बोल रहा है मेरे को 1 मैथ पढ़ना है, तो 1 मैथ पढ़ोगे, फीस है 2000 रुपये, ठीक है, कितनी है? 2000 रुपये। अगर आप 2 मैथ पढ़ोगे आप लोगों की फीस रहेगी 4000 रुपये। अगर आप 3 मैथ पढ़ते हो तो यहां पर जो फीस रहेगी वो रहेगी 5700, ठीक है। और अगर आप 4 के 4 मैथ पढ़ते हो तो ये फीस मैं आपको बता चुका हूं कितनी रहने वाली है, 7000 रुपये, 7000, ठीक है। ये कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर है भाई। अब कोई स्टूडेंट एनरोल होना चाहता है, मैंने जनवरी से क्लासेस स्टार्ट कर रखी है और 1 किताब कंप्लीट होने को है, ठीक है। मैकेनिक सेकंड मैंने लगभग कंप्लीट करा दी, उसके 2 ही चैप्टर बचे हुए, यूनिट पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो सुनो,
अब जो न्यू बैच आएगा उसमें अपन न्यू बुक स्टार्ट करने वाले, ठीक है, जो 8 से 9 है उसमें बुक स्टार्ट करेंगे, 9 से 10 है उसमें अलग से बुक स्टार्ट करेंगे, राइट। तो भाई आप लोगों को अगर एनरोलमेंट करना है तो ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये रहा, ठीक है, इसके ऊपर आप लोग कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप देखो ऑनलाइन भी बैच लेना चाहते हो तो ऑनलाइन मैंने बैच स्टार्ट कर दिया है मैकेनिक सेकेंड का। अगर मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँ तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो, ठीक है, ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हो, तो आप ऑफलाइन यहाँ आके पढ़िए, ऑनलाइन से बहुत फ़र्क है। थोड़े से दिन क्लास लगा के देखो, आप लोगों को जो फ़र्क है ना वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन में क्या होगा, तुम लोगों की कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी, एक दिन वीडियो देखी फिर दो दिन नहीं देखोगे, फिर देखोगे या बैच ले लिया एग्जाम से पहले, एग्जाम से एक महीना पहले 15 दिन पहले वीडियो देखना स्टार्ट करोगे। यहाँ पर क्या होगा, ऑफलाइन में जो आपका सिलेबस है ना इन चारों बुकों का, ये नहीं है कि सिर्फ एक बारी कंप्लीट करवाया, नहीं, एक बारी कंप्लीट करवा के आपको फ्री कर देंगे, नहीं, कम से कम मान के चलो भाई 2 से 3 बार तो आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, 2 से 3 बारी, ठीक है। अब जैसे जो मैकेनिक सेकंड जो स्टार्टिंग से 1 जन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी जो मैकेनिक सेकंड है ना वो कंप्लीट हो चुकी है, लगभग 2 चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है, ये मैकेनिक सेकंड जो बुक है ये कंप्लीट हो चुकी है, राइट, क्या हो चुकी है, कंप्लीट। अब जब न्यू बैच स्टार्ट होगा ना, वो न्यू बैच दोबारा से अटेंड कर सकते हैं, तो एक बार ही सिलेबस हुआ, अब ये सेकंड टाइम करेंगे, फिर दोबारा बैच स्टार्ट होगा तो थर्ड टाइम, तो 3 बार रिवीजन होगी, तो नियर अबाउट 3 बार आप लोगों का सिलेबस 2 से 3 बार कंप्लीट करवा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के, जय हिंद।